हेलो गाइस, वेलकम बैक टू किसमिस किचन। किसमिस किचन में सभी की स्वागत है। आज एक रेसिपी लेके आई लौकी की कोफ्ता। तो लौकी की कोफ्ता बनाने के लिए मेरे को चाहिए लौकी, एक पोटैटो, टमाटर, प्याज, गोटा धनिया, जीरा, गरम मसाला, अदरक, लहसुन, हरा मिर्च और मैदा। तो इसके ये बनाने के लिए पहले मैं लौकी को घीस लूँगी। अभी मैं अदरक, लहसुन और हरा मिर्च ये सब पीस लेती हूँ। मैंने पीस लिया। इसी जार के अंदर मैंने प्याज, टमाटर और गोटा धनिया, जीरा और गरम मसाला मैं पीस लिया। अभी मैंने जो लौकी घिस के रखा वो डाल रही, आलू जो घिस लिया वो भी डाल रही। उसी के साथ मैंने जो पेस्ट बना के रखा अदरक और मिर्च और ये पेस्ट भी डाल रही, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और मैदा, ये सब मैंने मिक्स कर लेती हूँ। और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल रही। ये अच्छा सा मिक्स करके मैं टिक्की आकर बना लेती हूँ। अभी मैंने ये चूल्हा के ऊपर पैन रख दिया, उसके अंदर मैंने सरसों का ऑयल डाल रही। अभी मैंने जो ऑयल गर्म हो गई इसके अंदर मैंने वो टिकिया डाल रही। अभी जो लौकी की जो टिक्का बनाया है वो देखो कैसे फ्राई हो गए। इसके देखो एक साइड गोल्डन हो गई, मैंने पलटा के दूसरे साइड भी इसको थोड़ा ऐसे गोल्डन तक फ्राई कर लूँगी। देखिए कितनी सुंदर गोल्डन फ्राई हो गई। मैं ये और थोड़ा 5 मिनट इसको फ्राई करने के लिए रख रही। मेरे कोफ्ता फ्राई हो गई, बस मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। अभी तेल गर्म हो गई, उसके अंदर मैंने तेज पत्ता डाल रही, गोटा जीरा, अभी जो मसाला पीस के रखा वो डाल रही। थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर। अभी 2 मिनट इसको फ्राई कर लेती हूँ। अभी ये जो मसाला फ्राई हो गई, मैं इसके अंदर मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही। थोड़ा सा और पानी। अभी जो कोफ्ता बनाया उसको डाल रही। थोड़ा सा घी ऐड कर रही। अभी ये बनके तैयार हो गई। अभी मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। अभी मेरे लौकी की कोफ्ता कड़ी बन के तैयार हो गई। देखिए कितनी सुंदर। और आप लोग एक बार बना के देखिए